रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया को लेकर खबर आ रही है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। गौतम अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के साथ करीब 3 दशकों से थे। जैसे ही इनके अलग होने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। गौतम ने तलाक का ऐलान ट्विटर पर किया था और एक पोस्ट करते हुए सारी बातें साफ की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ये दिवाली पहले जैसी नहीं होने वाली। एक कपल के तौर पे 32 साल साथ रहने, माता पिता के रूप में विकसित होने और हमेशा एक दूसरे के लिए ताकत का सोर्स बनने के लिए हमने प्रतिबद्धता, संकल्प, विश्वास के साथ सफर किया और साथ ही हमारे जीवन में 2 सबसे खूबसूरत चीजें भी आईं। ये मेरा विश्वास है कि नवाज और मैं यहाँ से अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। मैं उससे अलग हो रहा हूँ जबकि हम अपने 2 अनमोल हीरो निहारिका और निशा के लिए जो सबसे अच्छा होगा वो करते रहेंगे। इसके बाद उनके पोस्ट पर लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए। अब आपको बता दें कि गौतम और नवाज की शादी के करीब 32 साल बीत चुके हैं। हालांकि दोनों क्यों अलग हो रहे हैं इसे लेकर किसी खास वजह का पता अभी नहीं चल सका है। ये घोषणा एक चौंकाने वाले ऑनलाइन वीडियो के सामने आने के बाद हुई, जिसमें नवाज मोदी गौतम सिंघानिया द्वारा आयोजित दिवाली समारोह के बाहर बैठी हुई थी। ये वीडियो स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के ठाणे में पार्टी प्लेस के बाहर फिल्माया गया था। नवाज सिंघानिया को एक दूसरी महिला के साथ देखा गया जो गेट पर खड़ी थी और दावा कर रही थी कि निमंत्रण के बावजूद सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें पार्टी में जाने से रोक दिया। दिवाली का जश्न ठाणे में गौतम सिंघानिया की संपत्ति जेके ग्राम में हुआ। वीडियो में जो महिला है वो नवाज है और उसका आरोप है कि पार्टी स्थल के बाहर उन्हें 3 घंटे जानबूझकर रोका गया। गौतम सिंघानिया इससे पहले अपने पिता के साथ भी खराब रिश्तों को लेकर विवादों में रहे थे। रेमंड्स के फाउंडर और मालिक विजयपत सिंघानिया और उनके बेटे गौतम सिंघानिया के रिश्ते अच्छे नहीं है। गौतम सिंघानिया का अपने पिता विजयपत सिंघानिया से काफी विवाद रहा। कुछ समय पहले पिता पुत्र के विवाद को लेकर काफी खबरें मीडिया में आईं। विवाद एक फ्लैट से शुरू हुआ जो कोर्ट तक जा पहुंचा। गौतम सिंघानिया पर अपने पिता को घर से निकालने तक का आरोप लगा है। विवाद के चलते दोनों के बीच के रिश्ते लगभग खत्म हो गए। अब आपको बता दें कि विजयपत सिंघानिया ने रेमंड्स की नींव रखी थी। उन्होंने रेमंड्स को गारमेंट सेक्शन तक रखा और एक बड़ा ब्रांड बनाया। कारोबार संभालने के बाद गौतम ने रेमंड्स के कारोबार को दूसरे सेक्टर्स में फैलाया। हालांकि पिता पुत्र के बीच संपत्ति विवाद को लेकर समूह की छवि पर भी असर पड़ा। गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी की बात करें तो दोनों रजामंदी से अलग होने का फैसला ले चुके हैं। गौतम सिंघानिया ने साल 1999 में भारत के सॉलिसिटर नादर मोदी की बेटी नवाज मोदी से शादी की थी। गौतम की पत्नी नवाज पारसी हैं, एक आर्टिस्ट हैं और मुंबई में कई आर्ट एग्जीबिशन लगा चुकी हैं। वो एक फिटनेस फ्रीक भी हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी। नवाज के पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी के फैसले के आगे गौतम से शादी करने के लिए हामी भर दी। गौतम और नवाज की शादी में कई समझौते हुए। खुद गौतम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पारसी लड़की से शादी करना और उसे पत्नी बनाना आसान नहीं रहा। कल्चरल डिफरेंस के कारण दोनों को कई एडजस्टमेंट भी करने पड़े। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया पर अपने अलग होने की बात कही है तो पत्नी नवाज सिंघानिया की कोई बात सामने क्यों नहीं आ रही, और फिर नवाज को आखिर पार्टी में क्यों रोका गया, क्यों उन्हें 3 घंटे तक गार्ड्स ने इंतजार कराया। अब देखना है कि नवाज कब चुप्पी तोड़ती हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।